वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक पे होने वाला है, सो विदाउट स्किप देखना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ आए। तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप ओपन कर लेना है। अलाइट मोशन ऐप ओपन करने के बाद 9.60 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। 9.0 रेशियो के सिलेक्ट करने के बाद प्लस के आइकन पर टैप करके मीडिया में आपको एक JPNG फाइल दे दूँगा मैं, उसको सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। पिक को ऐड करने के बाद गाइस आपको जितना सेकंड का वीडियो चाहिए उस हिसाब से आप पिक को एडजस्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल पिक को 30 सेकंड ऐड कर ले रहा हूँ। 30 सेकंड ऐड करने के बाद आपने शुरुआत में आ जाना है। शुरुआत में आने के बाद आपने प्लस के आइकन पर टैप करके अपने टेक्स्ट ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, CUTE क्यूट कपल्स टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के बाद आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। फेस्टिवल फ़ॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ आपको, मैं इसे रेड कलर कर रहा हूँ। गाइस आप अपने हिसाब से कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं फ़िलहाल कलर को रेड कलर को 89 कर देता हूँ। कलर 89 करने के बाद आपको टैप करना है क्यूट कपल टेक्स्ट पे और इसे लास्ट तक ले जाना है। लास्ट में ले जाने के बाद आपको शुरुआत में आ जाना है और यहाँ पे मूव ऑन ट्रांसफॉर्म में जाके आपको टेक्स्ट को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर देना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये जो स्वास्तिक शेप है इसको आप टैप करके इसे बीच में ले आना है ताकि टेक्स्ट जो है बीच से ट्रांसफॉर्म हो सके। तो टेक्स्ट को अपने हिसाब से मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं गाइस। जैसे कि मैं कर रहा हूँ 1535 कर लेता हूँ। स्वास्तिक शेप पे टैप करके हम इसे बीच में स्वाइप कर लेंगे गाइस। स्वाइप करके शुरुआत में आ जाना है गाइस और इसे स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक देने के बाद गाइस प्लस के आइकन पे टैप करके पैर से 2 रोज इमोजी ऐड कर लेंगे। सिंपली अपने टेक्स्ट में आ जाने और रोज के इमोजी पे टैप करके इसे ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपने कलर और फिर के ऑप्शन पे जाके इसे 0 कर देना है ताकि इमोजी अच्छे से नज़र आ सके। इमोजी ऐड करने के बाद आईफोन इमोजी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं गाइज। आप अपने हिसाब से मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते जितना आपको चाहिए। मैं फ़िलहाल 835 कर लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद गाइज हम इसे लेफ्ट साइड स्वाइप कर लेंगे और रोज इमोजी पे टैप करके इसका डुप्लीकेट लेयर ऐड कर लेंगे। रोज इमोजी के डुप्लीकेट लेयर को हम राइट साइड स्वाइप कर लेते हैं गाइज और यहाँ से वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है गाइज। वीडियो अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा है, अपने हिसाब से थोड़ा स्वाइप कर लेता हूँ और इमोजी पे टैप करके लास्ट में आके इसे लास्ट तक ले आएंगे गाइस। दोनों इमोजी को लास्ट पे ले आना है। अब हम यहाँ से इसके टॉप पे 3 इमोजीज ऐड कर लेंगे ताकि वीडियो अच्छे से नज़र आ सके। सिंपली मैं 3 इमोजी ऐड कर ले रहा हूँ, आपने भी अपने हिसाब से इमोजी ऐड कर लेना है और इसे कलर एंड फिल में 0 कर लेना है ताकि ये नज़र आ सके। इमोजी पे टैप करके आईफोन फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे और इमोजी पे टैप करके इसे टॉप पे ले जाएंगे और इसे भी हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और इसे सिंपली बीच में ले आएंगे ताकि ये बीच से ट्रांसफॉर्म हो सके और इमोजी को हम बीच में ले आएंगे सेंटर में। थोड़ा और ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ 780 के समथिंग कर लेना है, 789 रख लेता हूँ और इसे हम सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने के बाद टेक्स्ट पे टैप करके इसे स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक देने के बाद हम जो पोजीशन है एक्स को 1 कर लेना है। अब यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होता है गाइस। जो टेक्स्ट देख के आपके चैनल पे ऑडियंस का रीच आएगा वो टेक्स्ट हम ऐड करने जा रहे हैं गाइस। प्लस के आइकन पे टैप करके सिंपली अपने टेक्स्ट ऐड कर देना है। मैं एस ऐड कर रहा हूँ और फ़ॉन्ट में फिस्टो सेलेक्ट कर लेना है। फ़ॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे गाइस। और टेक्स्ट को बड़ा करने के बाद हम इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं गाइस। आपको अपने हिसाब से आपको टेक्स्ट की जितनी लेंथ चाहिए वो उतना आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
मैं इसे 358 रख लेता हूँ और इसे हमें स्ट्रोक दे देना है और कलर हमने वाइट सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रोक हमें 8 रखना है गाइस। अब हमने टेक्स्ट पे टाइप करके कलर एंड फिल के ऑप्शन पे इसे 0 कर देना है ताकि टेक्स्ट का आउटर एरिया ग्लो कर सके। अब हमने टेक्स्ट पे टैप करके बॉर्डर एंड शेडो में बीच के आइकन पे टैप करके बॉर्डर ऐड करना है। हम आउटसाइड बॉर्डर ऐड कर रहे हैं। बॉर्डर का कलर मैं ग्रीन रख रहा हूँ और बॉर्डर का जो साइज़ है मैं यहाँ पे 16 रख लेता हूँ और इसे भी हमने लास्ट में ले आना है। अब हम इसमें एक इफेक्ट ऐड करने वाले ताकि वीडियो में जाना आ सके। सिंपली आपने ऐड इफेक्ट में टाइप करके ड्राइविंग प्रोग्रेस सर्च कर लेना है और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में टाइप करके इसे ऐड कर लेना है और यहाँ पे एंड के ऑप्शन पे टाइप करके प्लस को माइनस करके इसे 0 कर लेंगे और लास्ट को आके यहाँ पे हमने प्लस के आइकन पे फिर से टैप करके एंड को 100 कर लेना है और शुरुआत में आ जाना है और टेक्स्ट पे टाइप करके इफेक्ट को इनेबल कर देना है ताकि टेक्स्ट नज़र आ सके। फिर से हमने प्लस के आइकन पे टैप करके टेक्स्ट ऐड कर देना है। मैं ए टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट वही मेपिस्टो वाला है। गाइस अभी पूरा वीडियो बना नहीं है सो विदाउट स्किप देखना ताकि पूरा वीडियो आपको समझ आ सके। टेक्स्ट को बड़ा कर लेंगे और फिर अपने हिसाब से स्वाइप ऊपर स्वाइप करके अपने हिसाब से फिर से इसे मून ट्रांसफॉर्म कर लेंगे जिसके मैं 4060 कर देता हूँ, 50 के समथिंग कर देता हूँ और इसे सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में लाने के बाद हम इसे लास्ट तक ले जाएंगे गाइस। टेक्स्ट पे टाइप करके हमें इसे स्ट्रोक दे देना है गाइस। स्ट्रोक हम फिर से 8 रख लेंगे और स्ट्रोक का कलर वाइट रख लेना है। टेक्स्ट पे टाइप करके गाइस कलर और फिर के ऑप्शन पे चले जाना है और इसे 0 कर देना है ताकि आउटर ग्लो नज़र आ सके। अब हम फिर से इसे स्ट्रोक में जाके बॉर्डर ऐड करेंगे गाइस। आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेना है। बॉर्डर कलर में यहाँ पे रेड रख लेता हूँ और साइज जो है 60 फिर से रख लेंगे गाइस। अब जो हमने गाइस यस टेक्स्ट में जो इफेक्ट ऐड किया हुआ है उसे 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और एम टेक्स्ट पे टैप करके इफेक्ट में आके 3 डॉट पे जाके पेस्ट कर देते हैं गाइस। अब जो हमें दोनों टेक्स्ट पे जाके जो इफेक्ट लगाया हुआ है वो एबल कर देना है ताकि वीडियो कुछ ऐसा नज़र आ सके गाइस। वीडियो काफ़ी अच्छा बन चुका है गाइस। अभी इसे थोड़ी फाइनल फिनिशिंग टच देने के लिए हमें एक और टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा तो सिंपली हम प्लस के आइकन पर टैप करके एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। माई लव फॉन्ट फेस्टिवल फॉन्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस। इसे फिर से बड़ा कर लेंगे और इसे कलर एंड फिल के ऑप्शन में जाके ब्लैक कलर चूज कर लेना है गाइस और इस टेक्स्ट को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके एक कोने में स्वाइप कर लेंगे। स्वाइप करने के बाद गाइस इस टेक्स्ट को हमने स्ट्रोक दे देना है, लगभग 2 का स्ट्रोक दे देते हैं। स्ट्रोक देने के बाद गाइस हमने फिर से टेक्स्ट पे टैप करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद इससे थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं गाइस ताकि ये थोड़ा टेक्स्ट बोल्ड नज़र आ सके और सिंपली थोड़ा स्वाइप कर लेते हैं और इसे हमने लास्ट तक ले जाना है गाइस। अब प्लस के आइकन पर टैप करके मीडिया में एक इफेक्ट दे दूंगा गाइस, उसे ऐड कर लेना है और इफेक्ट पे टैप करके ब्लेंडिंग ओपेसिटी में लाइटिन में स्क्रीन कर लेंगे इफेक्ट को ताकि इफेक्ट कुछ ऐसा नज़र आ सके। बहुत ही प्यारा वीडियो बनके रेडी है गाइस। अब हम इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे गाइस। थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। ऐसे ही प्यार बनाए रखे यूट्यूब फैमिली ताकि मैं फ्यूचर में ट्रेंडिंग नेम आर्ट वीडियो के ट्यूटोरियल ला सकूँ। वीडियो बनाने में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।